श्रीराम के कुल का परिचय तो वशिष्ठ जी ने दे दिया। तो क्या राजा जनक के कुल के बारे में आप सभी जानते हैं? जानते हैं। इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आशामेण आदिकाव्य के बालकांड में 71वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो, अब हम भी अपने कुल का परिचय दे दें। सुनिए महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजश्री देवरात के बृहद्रथ नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। धृष्टकेतु का पुत्र हर्षव नाम से विख्यात हुआ। हर्षव के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विभुंद और विभुद्र के पुत्र महिंद्रक हुए। महिंद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरथ हुए। राजश्री कीर्तिरथ के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। महारोमा से धर्मात्मा सुवर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजश्री सुवर्ण रोमा से ह्रस्व रोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्व रोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंप कर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरा छोटा भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको दो वधुएं प्रदान करना चाहता हूँ। आपका भला हो, मैं सीता को श्रीराम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्रीराम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को तीन बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनिप्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको दो बहुएं दे रहा हूँ।
वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नंदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। महाबाहो, प्रभु आज मगा नक्षत्र है। राजन आज के तीसरे दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।